रांची के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पारस एचईसी की ओर से वेलमार्क अस्पताल बोकारो में ओपीडी सेंटर की शुरुआत की गई। बोकारो वासियों को उच्च स्तरीय एवं सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस ओपीडी की शुरुआत की गई है। यहां हर प्रकार की तकलीफ जैसे नस, ब्रेन संबंधी रोग, किडनी की बीमारी, पित्ताशय में पथरी, हार्निया, प्रोस्टेट संबंधी रोग इत्यादि के इलाज के लिए अब किसी भी मरीज को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पारस एचईसी हेल्थ केयर ग्रुप के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुहास आराध्य कहते हैं कि पारस एचईसी अस्पताल में न्यूरो सर्जरी, किडनी रोग, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, हर तरह की बीमारी का इलाज संभव है। वहीं पारस एचईसी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर एवं वाइस चेयरमैन डॉक्टर संजय कुमार कहते हैं कि यहां हर बीमारी का इलाज अब संभव है। प्राइवेट सेक्टर्स में अभी बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं आए हैं। अभी सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे पारस हॉस्पिटल अभी बड़ा चेन है, वो भी आया है 300 बेड्स, बट ये सब इलाके भी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ के पेशेंट्स तब बाहर जाना बंद करेंगे जब यहाँ अच्छी फैसिलिटीज जब लोगों को मिल जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कॉस्ट ज़्यादा हो जा रहा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं बट और होने की जरूरत है। ये दोनों का जब साथ होगा, एक साथ होगा, तभी जाके स्वास्थ्य सेवा में फायदा होगा। प्रॉब्लम ये है बहुत बार सिंपल चीज़ों के लिए भी लोगों को जानकारी के अभाव में बाहर जानी पड़ जाती है। पारस हॉस्पिटल एचईसी जो पहले धुरुआ में स्थित है और झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल के रूप में उभर रहा है, तो इसके साथ हम लोगों ने कोशिश की है कि जिन चिकित्सा सुविधा जो हम नहीं दे पा रहे हैं या अगले 5-10 साल में भी देने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए हमारे पेशेंट्स को कैसे उनके साथ मिल के हम लोग मुहैया करा पाएँ, जो कि झारखंड में ही संभव हो जाए और बाहर लोगों को नहीं जाना पड़े, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारा आग्रह या इन्विटेशन को स्वीकार किया। और फिलहाल में लोग मंथ में 2 बार अपने स्पेसिफिक ओपीडी करेंगे, न्यूरो सर्जरी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है और बाद में इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाई भी जा सकती है आवश्यकता पड़ने पर, और साथ में हम लोग डेली कंसल्टेशन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग।